मेरे को 18 नंबर शूज शूज़ आते हैं और मैं अमेजोन पे बाय करता हूँ क्योंकि अमेजॉन पे जो फ़ॉरन पे जो बास्केटबॉल प्लेयर है उनके आ, बहुत बड़े 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 शूज़ होते हैं तो वहाँ पर अमेज़न पे बाय करता हूँ मैं राखी साउन तो है ही का विषय है जहाँ भी जाती है वहाँ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करती है अपने हिसाब से कौन सा गुप्त दान किए थे उसने तो मेरे को नहीं लगता था कोई गुप्तदान उसने किया है कोई के शो, गोल्डन शिप्रा में सारे में, और यहाँ की लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है और जो फेमस पर्सनालिटी आज हमारे साथ बैठे हुए है, हैं उनकी इंट्रोडक्शन हम आपको कैसे दें वो हमारे इंडिया के प्राउड है हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट रेस्लर हैं जिन्होंने देश विदेश में कई बड़े बड़े रेस्लर को हरा चुके हैं वो तो so, होपफुली आप सबको अब पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं द ग्रेट खली के बारे में तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, आप सबको मिलवाते हैं उनसे हेलो सर वेलकम टू टाइम्स पंजाब टी वी थैंक यू मैम थैंक यू सर सबसे पहले आप बताइए आज आप लुधियाना आए हैं लुधियाना के बर्बन ब्रॉडवे रेस्टोरेंट में कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ के कैसी लोकेशन लगी आपको यहाँ की लोकेशन लोकेशन बहुत अच्छी लगी है और बाकी देखते हैं आगे फिर लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है सर एक चीज़ बताइए जैसे आपका जो बर्थ नेम है वो दिलीप सिंह राणा है तो आपका नाम द ग्रेट खली कैसे पड़ा उसके बारे में प्लीज आप व्यूवर्स को कुछ बताइए मैं क्योंकि जब मैं जो मेरा दिलीप सिंह नाम है वो मेरा घर का नाम है और बहुत सारे लोग मेरे को दिलीप सिंह के नाम से जानते हैं और जब मैं डब्ल्यू डब्ल्यू ई में गया तब मेरा नाम चेंज हुआ है और WWE डब्ल्यू ई वाले ने मेरा नाम दिया है द ग्रेट खाली तब से मेरे को लोग दा ग्रेट खाली के नाम से वर्ल्ड वाइज में लोग ज़्यादा जानते हैं तो स्पेसिफिकली ये नाम कैसे दिया गया आपको द ग्रेट खली क्या मीनिंग है इस नाम का इसका मीनिंग है कि भी मतलब हम ग्रेट है ग्रेट है इसलिए उन्होंने ग्रेट खली का नाम दिया है तो इससे जैसे प्रोफेशनली आप रेसलर हैं इससे पहले हमने सुना है कि आप पंजाब स्टेट पुलिस के ऑफिसर भी रह चुके हैं तो इस रेसलिंग लाइन में आपका आना कब हुआ बिल्कुल मैं पहले पंजाब पुलिस पे रहा और पंजाब पुलिस पे मैं ऑलमोस्ट छः सात साल मैंने काम करा लगातार और 2000 में मैं पहली बार यू गया और स्कूल में यू पे मैंने रेसलिंग सीखी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और जो पहला जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यू डब्ल्यू ई में हुआ था सॉरी जापान न्यू जापान पे हुआ था और उसके बाद कुछ मैंने मूवियाँ बनाई हॉलीवुड के और WWE डब्ल्यू ई में गया मैं दो हज़ार पाँच पे जब लोगों के सामने लोगों एक पर्दे पे आया क्योंकि लोग बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में जो डब्ल्यू डब्ल्यू ई देखते हैं तो रेसलिंग तो मैं पहले भी करता था लेकिन जब से मैं डब्ल्यू डब्ल्यू ई पे गया तब से मतलब एक्चुअली मैं पूरा वर्ल्ड वाइज पे ज़्यादा मतलब एक फेमस हुआ लोग मेरे को रेकोनाइज करने लगे तो 2000 से लेकर दो हजार से लेकर 2014 तक मैंने काम किया वहाँ पर और इस टाइम मैंने अपनी रेसलिंग एकेडमी खोली है पंजाब में जलंधर में और जहाँ पर बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के नौजवान लड़का लड़की वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं रेसलिंग सीखते हैं और अभी हम जो दो मार्च को हम कंपटीशन करा रहे हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में संधु नगर में लुधियाना और उससे पहले हमने बहुत बड़े बड़े इवेंट करे हैं जैसे पंजाब हिमाचल उत्तराखंड हरियाणा राजस्थान तो बहुत अलग अलग जगह पे हमने कंपटीशन करे हैं और जो अभी दो मार्च जो आने वाले है उस पर हम कर रहे हैं लुधियाना में कैसा रिस्पांस मिल, मिल रहा है लुधियानवीज की तरफ से बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि जो हमने हम स्कूल पे अभी करा रहे है इस बार और वहाँ पर ऑलमोस्ट तीन चार हजार बच्चे थे और जो उनका जो एक अप कर रहे थे तो बहुत ही एक ज़बरदस्त लग रहा था कि भाई बहुत एक्साइटेड है सारे बच्चे कि भाई आ, उनके स्कूल में कंपटीशन हो रहा है और उनको आ, देखने का मौका मिलेगा उनको तो बहुत ही एक्साइटेड हुए सारे बच्चे तो मैं ज, आ, ये समझता हूँ कि भी मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होएगा दो आ, दो मार्च को लुधियाना में जैसे हमने सुना है कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं हिमाचल आपका बर्थ सिटी है तो आपका वहाँ से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया कि एक छोटी से टाउन से बिलोंग करके आप डायरेक्टली हिमाचल से अमेरिका फ्लाई आपने किया तो वो जर्नी आपकी कैसे रही और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिला आपको देखो पेरेंट्स हमारे जो है वो बिल्कुल बहुत एक साधारण परिवार से है और पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहता है उनका आशीर्वाद रहता है और लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि भी मतलब पेरेंट्स के डिपेंड रहना चाहिए लेकिन आ, माता पिता का इतना बड़ा एक आशीर्वाद होता है इतना बड़ा एक सपोर्ट होता है कि भी आप जाओ आप बढ़ो आगे बढ़ो उनका एक आशीर्वाद है हमारे साथ और बाकी तो रास्ते खुद तय करने हैं और माता पिता का बहुत एक आशीर्वाद चीज़ को मानते तो हैं कि उनकी ब्लेसिंग आपको लगी है उनकी रही है मेरे साथ तभी एक वर्ल्ड लोग मेरे को रेकनाइज करते हैं सर एक चीज ऐसे हम कहते हैं कि हर चीज के ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं कुछ नेगेटिव भी तो आप जैसे हम इंडिया में हमारे फोर टॉलेस रेस्लर हैं तो आपको अपनी हाइट को लेके क्या क्या आपको लगता है कि कहाँ आके उस चीज़ के आपको बेनिफिट्स भी मिले हैं और कहाँ आके आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी फील होते हैं उसके मेरे को तो लगता है कि भी मतलब ना कोई भी चीज़ आती है तो मैं उसको नेगेटिव नहीं कोई लेता मैं ये मेरी चाहे आप खूबी बोले चाहे कुछ भी बोले लोगों ने बहुत एक डीमोटिवेशन कर रहे थे मेरे को जब मैं स्टार्टिंग पे गांव में था बोलते थे भाई बहुत लंबा है पैर पे जूते नहीं मिलते पर लेकिन मैंने एक जो उनके लिए ने, जो नेगेटिव बना रहे थे जो चीज़ को उसको मैं पॉजिटिव लेना शुरू किया कि भाई मैं मतलब वो करके दिखाऊंगा जो तुम लोगों ने किया नहीं मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने मतलब पूरे हिंदुस्तान पर नहीं किया तो उस चीज़ को मैं पॉजिटिव लिया और मैं जब डब्ल्यू डब्ल्यू गया तो वहाँ पर सब आम बंदे मतलब नज़र मेरे जैसे नज़र आ रहे वहाँ भी जैसे हॉल खोगन है अंडरटेकर है केन है और बिक शो है तो वहाँ पर मेरे को लगता था कि और तगड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब कुछ, लो, कुछ लोग कुछ लोग हैं जो सोचते कि इसके नेगेटिव चीज़ लेते हाइट को कुछ लोग है जो उसको एक सोचते कि भी मत लो मैं तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन मान लो ये मैटर नहीं करता हाइट वेट मैटर करता उसकी सोच कोई भी चीज़ पॉजिटिव लेना चाहिए कोई बंदा ये नहीं बोल सकता यार मैं पंजाब पे कैसे पैदा हो गया मैं तो यूएसए पे पैदा पे, होना चाहिए था तो इजीली मिलता मेरे को कोई बंदा ऐसा नहीं ये नहीं बोल सकता मैं हिमाचल पे पैदा हुआ मैं तो पंजाब में होना चाहिए था तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब आप आपको जो विज़न है ना आपका आपका देखने का नज़रिया है आपने तो ख़ुद तय करना है कि क्या करना है आपने तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भी मतलब मेरे लिए तो हाइट बहुत एक बरदान मिला और उस हाइट को मैंने एक हथियार बनाया और इसी के कारण मैं डब्ल्यू डब्ल्यू गया और वहाँ पर भी मैंने प्रूफ किया कि ये नहीं कि किला गया मतलब जाना बहुत सौखा है पर लेकिन वहाँ पर, पर प्रूफ करना बहुत टफ उससे भी मतलब एक टफ टास्क है तो माता पिता के मतलब एक जैसे बोलते ना ब्लेसिंग yes. उनके मेरे साथ थी तो वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छा कामयाब हुआ और अच्छे अच्छे लोगों को हॉलीवुड पे काम नहीं मिलता अच्छे अच्छे जो एक्टर होते हैं तो मैं उसका भी बोलता हूँ कि मतलब एक परमात्मा का एक माता पिता का आशीर्वाद से वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी पिक्चरें करी है और बहुत हिट पिक्चर है रही है मतलब जैसे लॉन्गेस्ट रहा है गेट मार्ट है मैक ग्रूवर है मार्स बुलामी है तो ये जो मैंने हॉलीवुड की मूवी जो आम बंदे को मौका नहीं मिलता तो मैंने की है तो मैं उसका एक अपनी मेहनत और माता पिता का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद सोचता हूँ चीज़ जैसे जो अंडरटेकर है हमारे रेसलर बहुत ज़्यादा एक उनको ना डेड मैन के नाम से बुलाया जाता है कहते हैं जब वो रिंग पे आते हैं तो दूर दूर से लोग उन्हें देख के डर जाते हैं अच्छे अच्छे रेसलर्स भी डर जाते हैं तो वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप रिंग पे आए और आपके सामने वो ग्रेट अंडरटेकर खड़े हुए थे तो आपके मन में कुछ फियर था उनको लेकर नहीं बिल्कुल एक्चुअली मैं जो वहाँ पर कॉन्फिडेंस था बहुत एक्साइटेड था जब उनसे मेरे मेरे को मालूम पड़ा कि उनसे मेरी फाइट है लेकिन काफ़ी लोग जैसे होते ना लोग कि भाई जो दूसरे रेसलर है वो नर्वस हो रहे हैं तो उनको देख के लगता था भी कुछ ना कुछ तो अंडरटेकर है जिनकी फाइट ही नहीं है वो भी नर्वस हो रहे हैं तो पर लेकिन मेरे को ये था कि भाई नहीं मतलब आई हमें लगता लगता वो आपको जैसे बोलते ना करो या मरो वो स्थिति मेरे सामने थी मतलब कि भाई या तो अगर मैं डर गया तो मैं फिर कुछ नहीं है अगर मतलब आगे बढ़ूँगा तो ऐज ए मतलब पूरे दुनिया पे नाम होएगा और पूरे एक जो मेरा मिशन है उस पर कामयाब होऊंगा तो बिल्कुल बहुत सारे लोग नर्वस थे लेकिन मैं मतलब अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपना कॉन्फिडेंस पूरा था मेरे को तो उसको मैं हराया पहली बार और वहीं से ही मैं एक दुनिया के सामने आया आया और लोगों के दिमाग पे दिल पे बस गया एक ग्रेट खाली बिल्कुल सर सर एक पर्सनल क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे जैसे बीइंग एज आप इतने मैन है तो कहते हैं जब आपका वेडिंग टाइम आया होगा तो उस टाइम आपको क्या एफर्ट्स करने पड़े अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं एफर्ट तो अगर मैं मतलब कोई आ, छोटा होता शायद शायद मेरे को एफोर्ड करने पड़ते मेरे को तो लोग खुद एफर्ट करते हैं ठीक है सो so, मेरे को लोग खुद एफर्ड करते हैं उनकी हाइट कितनी है आ, उनकी बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइट है पाँच आठ उनकी हाइट है मेरी वाइफ की और मेरे को ज़्यादा एफर्ड नहीं करने पड़े दैट्स गुड सर मतलब उनका फुल सपोर्ट आपके साथ रहता है हमेशा हाँ बिल्कुल वाइफ का बहुत बड़ा एक सपोर्ट है मेरे लिए और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करती है बहुत सारी चीज़ें जो एक एडवाइज करती है और पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा मेरे साथ होती है और उनका पूरा सहयोग है मेरे वाइफ का सर एक चीज़ जैसे अब आप बाहर रहते हैं आप डेफिनेटली आप इंडिया से जुड़े हुए हैं उसके कल्चर से जुड़े हुए हैं तो यहाँ का जो रेसलिंग आप देखते होंगे कि यहाँ पे भी जो यूथ है आजकल का जो रेसलिंग पे बहुत ज़्यादा अटैचड है जाना चाहता है उस लाइन में आपकी तरह बनना चाहता है तो आपको लगता है कि वहाँ की कोचिंग और यहाँ की कोचिंग में कुछ डिफरेंस आप फील करते हैं बाहर जो कोचिंग दी जाती है और यहाँ की कोचिंग में नहीं देखो कोचिंग में खुद देता हूँ मेरा कोच लाता हूँ मैं बाहर से उनको भी एडवाइज़ करता हूँ मैं भी क्या क्या आपने कोचिंग देनी है क्योंकि जो अपना एक्सपीरियंस है वो अट्ठारह साल का एक अपना एक्सपीरियंस है मतलब एक तो ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर के जो मैं कोच लेके आता हूँ वो भी मेरे से पूछते हैं एडवाइस लेते हैं कि भी क्या करना चाहिए तो उनको भी एडवाइस करता हूँ मैं उनको भी एक बताता हूँ भी आपने क्या क्या करना चाहिए आपको और क्योंकि रेसलिंग ऐसी चीज़ है कि भी मतलब जितना सीखो उतना ही कम है और मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा जो हमारी एकेडमी है वो वर्ल्ड में नंबर वन एकेडमी है कहीं भी आप जाएंगे तो जितनी फैसिलिटी सी पे मिलेंगी आपको कहीं नहीं मिलेंगी हमारे सी डब्ल्यू ई में जिम और मेस और एक रहने के लिए पार्किंग ग्राउंड दो रिंग टीवी वी क्या बोलते स्टूडियो और लॉकअप रूम सारी जितनी चीज़ें मतलब एक अच्छे रेसलर बनने के लिए लगती है सारी फैसिलिटी हमारे सी डब्ल्यू ई पे है और एकेडमी हज़ारों एकेडमी है पूरे वर्ल्ड में पर लेकिन जो फैसिलिटी सी डब्ल्यू ई में है वो फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड पे कहीं नहीं है मतलब ये मैं दावा दावे के साथ बता सकता हूँ मैं डेट्स वेरी गुड सर सर एक चीज़ हमें बताइए जैसे फीमेल्स भी आजकल रेसलिंग विंग पे काफ़ी उतरते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप उस चीज़ को लाइक करते हैं कि फीमेल्स को भी इस लाइन में आगे आना चाहिए रेसलिंग की लाइन में बिल्कुल फीमेल को आना चाहिए और फीमेल हमारे हिंदुस्तान की कमनी है हमारी जो एक सोच है उन्होंने कम बनाते हैं कि भी मतलब नहीं फीमेल को नहीं जाना चाहिए फीमेल को नहीं जाना चाहिए फीमेल नहीं यू नो you know, तो वो बेचारी मतलब ना मन से ही उनके दिमाग भी वैसा बैठ जाता शायद ये लाइन ऐसी हाँ तो कहा जाता है हाँ, तो लोग उनको फीमेल को ये लगता है कि नहीं शायद हमारे को शायद नहीं करनी चाहिए पर लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं है हमारे जो स्टूडेंट है जो मेरा स्टूडेंट है कविता देवी है आप देखते हैं कि ओ डब्ल्यू डब्ल्यू पर गई है जो यहाँ पर जो एक नौकरी के लिए तरसती थी वो आज उसके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी एक फ़ीमेल है और वो भी सी डब्ल्यू से गई है तो ऐसा कुछ नहीं है मैं चाहूँगा कि भी आ, फीमेल को आगे आना चाहिए और माता पिता को सपोर्ट करनी चाहिए भाइयों को सपोर्ट करनी चाहिए और तभी मतलब हमारा एक हिंदुस्तान एक पावरफुल देश बन सकता है अगर हम बातें करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर उनको मतलब पाबंदी लगाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है फिर मतलब मैं चाहता हूं कि भी लड़कियों को पूरा फ्रीडम देना चाहिए जो लड़के को फ्रीडम है वो लड़की को फ्रीडम देना चाहिए जो लड़की ने करना चाहती है वो करे गेम करनी है गेम करे और ऑफिस में काम करना ऑफिस में काम करे गाड़ी चलाना गाड़ी चलाए मतलब पूरा फ्रीडम देना चाहिए तभी मतलब हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है मतलब एक पीछे इंसिडेंट हुआ था राखी सावंत का चंडीगढ़ में कि डब्ल्यू डब्लू पे रिंग पे कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी उनके साथ तो आपको क्या लगता है ये टीआरपी इंक्रीज करने के लिए हुआ था कुछ फेक था आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे देखो ये जो राखी सावंत है आपको पता ही है उसके दिल के बाद मैं नहीं जान सकता कि वो क्या क्या करती है वो क्या चाहती है वो तो रेसलिंग रिंग पे आई तब कंट्रोवर्सी तो होनी थी और अगर वो रिंग पे ना भी आती है कहीं अगर बाथरूम पे या घर पे बैठती तभी कंट्रोवर्सी कब पैदा करती है वो सो so, उसकी मतलब जैसे बोलते ना उसकी सोच हो जाने मतलब उसके बारे में नो कमेंट सर मूवीज़ में जैसे आपने बताया तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहे? आने वाले टाइम पे भी आप मूवीज़ में काम करना चाहेंगे हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे मूवी पे काम करूं लेकिन मेरा जो अभी फोकस है मेन फोकस है अभी रेसलिंग को प्रमोट करना तो आप इंडियन कल्चर से अभी तक कितने अटैचड हैं बाहर रहने के बाद भी क्या आप चाहते हैं कि हमेशा इंडिया का कल्चर और फॉरेन का कल्चर एक साथ आप उनको जोड़ के रखना चाहते हैं रेसलिंग के थ्रू देखो ये मैं कहता हूँ कि इंडिया का कल्चर अच्छा है और बाहर का कल्चर हम ये नहीं बोलते जैसे कोई पोलिटिकल की बाहर का पोलिटिकल स्टेटमेंट देते बाहर का कल्चर बुरा है यहाँ का अच्छा है सब अपनी अपनी जगह में सब अच्छे कल्चर है कोई ये नहीं बोल सकते कि बाहर का कल्चर बुरा है या हमारा अच्छा है दोनों अपनी जगह दोनों कल्चर सही है ठीक है लेकिन दूसरा मेरे को अच्छा लगता है हिंदुस्तान हिंदुस्तान से जुड़ा हूँ मेरे को मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ मेरा बॉन है यहाँ मेरा पूरी लाइफ मैंने स्पेंड करी है और हर बंदे का अपनी सोच है मेरी सोच है कि मैं अपने हिंदुस्तान के नौजवान को उनको प्रमोट करूँ उनको एक मौका दूँ और जो मेरे पास टैलेंट है ताकि उनके साथ शेयर करूं ताकि वो भी अपना अपना एक जलवा दिखा सके अपना टैलेंट दिखा सके डब्ल्यू डब्ल्यू जाए अगर जो नहीं जाते वो हिंदुस्तान में यहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सके हो। लास्ट में हम चाहते हैं जैसे हम सब जानते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का टाइम है आजकल के यूथ मोबाइल फोन्स और टीवीज एंड पार्टीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कंपैरेटिवली टू गेम्स तो हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को आप मैसेज दीजिए कि गेम्स भी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं सबके लिए बिल्कुल गेम मैं कहता हूँ कि गेम तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गेम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर मतलब हेल्थ हेल्थ है अच्छी है तभी सारी चीज़ें हैं मिल लो अगर आपने आपने बताया ना कि पार्टी क्लब जाना मोबाइल कोई भी चीज़ अगर आपकी हेल्थ अच्छी तभी ये चीज़ें अच्छी लगेंगी अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप चाहे आप पचास हज़ार का मोबाइल रखें लाख का मोबाइल रखें उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है और मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिए प्रायोरिटी रखिए अपनी सेहत को हमारा हिंदुस्तान सबसे पहले जो प्रायोरिटी देता है वो देता है बिज़नेस को वो देता है पैसा कमाना तो मैं सोचता हूँ कि पैसा भी तभी अच्छा लगेगा अगर आप लोग अगर आप लोगों की सेहत अच्छी है पैसा भी तभी, तभी अच्छा लगेगा अगर उसका मतलब क्योंकि अगर आप हजारों करोड़ के मालिक बन गए लेकिन आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो उसका मतलब फ़ायदा क्या है तो मैं बताना चाहूँगा कि भी सारे पैसा अपनी जगह अच्छा है चौबीस घंटे होते हैं हमारे पास दिन के चौबीस घंटे में से आप एक घंटा अपने लिए ज़रूर निकाले एक घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालें जिम जाए ग्राउंड जाए एक्सरसाइज करे और एक जो आपके जो जैसे बोलते हैं ना अपने लिए वो आपका आपकी अर्निंग है वो अगर अपने लिए टाइम नहीं देंगे आप अपने लिए कुछ करेंगे नहीं तो आप धन दौलत और रिश्ते नाते वो कुछ नहीं आपके काम आएंगे अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है अगर सेहत अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं अच्छा तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों क्लीन डाइट खाओ ग्राउंड ज़रूर जाओ जिम जाओ और अपनी सेहत का ध्यान रखो तो आपने देखा ये थे हमारे साथ द ग्रेट खली जिन्होंने हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में उन्होंने हमसे शेयर किया कि हेल्थ इज़ वेल्थ हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में आजकल का यूथ जो हमने बताया कि जैसे क्लब की तरफ मॉडर्नाइजेशन क्लब मोबाइल फोन्स की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अपनी हेल्थ से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता हेल्थ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए गेम्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा टाइम्स पंजाब टी